आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उन्नाव बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर है यात्री। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी लेकिन टिकट काउंटर बंद। टिकट काउंटर बंद होने से यात्रियों को हो रही है असुविधा। यात्रियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। उन्नाव के बैंसवाड़ा रेलवे स्टेशन का मामला। उन्नाव में बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर है यात्री। लखनऊ में बिजली चोरी करते पकड़े गए 65 लोग। हॉस्टल मालिक पर 10 लाख का लगाया जुर्माना। आज भी चलेगा बिजली चोरी के खिलाफ अभियान। लखनऊ में बिजली चोरी करते पकड़े गए 65 लोग। हॉस्टल मालिक पर 10 लाख रुपए का लगा जुर्माना। लखनऊ के 86 केंद्रों पर कल को होगी यूपीएससी की परीक्षा। 5 आईएएस सहित 87 मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी। 2 शिफ्ट में होगी यूपीएससी की परीक्षा। लखनऊ के 86 केंद्रों पर कल होगी यूपीएससी की परीक्षा। 5 आईएएस सहित 87 मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी। 2 शिफ्ट में होने वाली है यूपीएससी की परीक्षा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी है इस मामले पर आपके पास, साझा करें। देखिए, कल यूपीएससी का एग्जाम है और इस प्रतिष्ठित एग्जाम को लेकर के प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर रखी है। जो तमाम जो इंतजाम किए जा सकते हैं, जो एग्जाम सेंटर वहाँ पर किया गया है, जो सीसीटीवी वगैरह लगा दिए गए हैं, इसके अलावा जो 86 केंद्र है जहाँ पर यूपीएससी की परीक्षा होनी है, इन सारे केंद्रों पर मजिस्ट्रेट जो है निगाह रखेंगे। 5 आईएएस की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 87 ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जो इस पूरे एग्जाम की निगरानी करेंगे। 2 शिफ्टों में ये पेपर होगा और उसको लेकर के ही सारे इंतजाम आज से प्रूव कर दिए गए हैं। जो डीएम लखनऊ है उन्होंने निर्देश जारी किए हैं और बाकायदा जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी ड्यूटी इस तरह लगाई गई है ताकि दोनों शिफ्टों में किसी तरीके से कोई खामी न रह जाए। इसके अलावा पुलिस का भी प्रबंध किया गया है ताकि जिस तरह से तमाम एग्जाम अभी हम देख ही रहे हैं, नीट का एग्जाम हुआ, इस तरह के बड़े एग्जाम जो आरओ के एग्जाम एआरओ के एग्जाम रहे, तमाम धांधली की शिकायतें आती नहीं, इस तरह की कोई शिकायत ना आए, यूपीएससी फुल प्रूफ तरीके से एग्जाम कराया जा सके, इसको लेकर सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कल जो कैंडिडेट्स हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं वो सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पे एग्जाम देते नजर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है इन जो केंद्रों पर यूपीएससी परीक्षा होने वाली है, वहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो एक तरीके से सारी जो फ्लाइंग स्क्वाड रहेंगे वो लगातार नजर रखेंगे जो एग्जाम सेंटर से उन पर। साथ ही ऐसे लोगों की व्यवस्था की गई है कि अगर बीच में अगर किसी छात्र पर संदेह होता है तो उसकी भी पड़ताल की जा सके। उसके लिए बायोमेट्रिक जो व्यवस्था की गई है, आधार कार्ड पे जो उनके बायोमेट्रिक आपके फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, जो कोरोना रहती है, उसको देखते हुए तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि फुल प्रूफ इंतजाम के भी कैंडिडेट एग्जाम देते नजर आए। क्योंकि परीक्षाओं की स्वच्छता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए सारे इंतजाम आज ही पुख्ता कर लिए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स का भी फ्लाइंग स्क्वाड आज ही दौरा कर रहे हैं ताकि अगर किसी तरह की वहाँ पर कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसे समय रहते दूर कर लिया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ कृष्णा नगर में दिन दहाड़े बंधक बनाकर की गई लूटपाट। 2 बदमाशों ने असलहे के बल पर की है लूट। बदमाशों ने विमल लॉन्ड्री की दुकान पर बोला धावा। दुकान का शटर बंद कर फरार हुए बदमाश। इसी के साथ खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं बदमाश। बदमाशों के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है पुलिस। कृष्णा नगर के कनौसी स्थित लक्ष्मी नगर इलाके की घटना।
कृष्णा नगर में दिन दहाड़े बंधक बनाकर की गई लूटपाट। दो बदमाशों ने असलहे के बल पर की है लूट। बदमाशों ने विमल लॉन्ड्री की दुकान पर बोला धावा। ज्यादा जानकारी के हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है मोहम्मद आपके पास, साझा करें। ये जो घटना हुई है इसको लेकर क्या जानकारी है, किस तरीके से बदमाश जो है वो पुलिस को खुलेआम दे रहे हैं चुनौती, इस पूरी घटनाक्रम पर नजर डालिए, क्या कुछ जानकारी आपके पास मौजूद है इस वक्त? संपर्क नहीं हो पा रहा है, चलिए। दो बदमाशों ने असलहे के बल पर की है लूट। हम आपको बता दें, बदमाशों ने विमल लॉन्ड्री की दुकान पर बोला है धावा। दुकान पर शटर बंद कर फरार हुए हैं बदमाश। खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं बदमाश। और इसी के साथ बदमाशों के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है पुलिस। कृष्णा नगर के कनौसी स्थित लक्ष्मी नगर इलाके की घटना। लखनऊ में कृष्णा नगर में दिन दहाड़े बंधक बनाकर की गई लूटपाट। दो बदमाशों ने असलहे के बल पर की है लूट। बदमाशों ने विमल लॉन्ड्री की दुकान पर बोला धावा। दुकान का शटर बंद कर फरार हुए बदमाश। इसके साथ ही खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं बदमाश। बदमाशों के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है पुलिस। कृष्णानगर के कनौसी स्थित लक्ष्मी नगर इलाके की घटना आई सामने। कृष्णानगर में दिन दहाड़े बंधक बनाकर की गई लूटपाट। डीजीपी साउथ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जी सर, क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास इस पूरे घटनाक्रम पर, हमारे साथ साझा करें। इस घटना के संदर्भ में वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें चार टीमें लगाई गई है। हमारी सर्विलांस टीम भी लगी हुई है, क्राइम ब्रांच लगी हुई है और ये तत्परता से इसकी तहकीकात कर रही है। शीघ्र ही अभियोग का अनावरण करके अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये जो लूटपाट की गई है कृष्णा नगर में, इसमें जो आरोपी बल है वो किस तरीके से पुलिस को धमकी दे रहा है, ये धमकी देने का जो उनके अंदर क्षमता आई है ये कहाँ से आई है? इतना बल उनको मिल रहा है कि वो खुलेआम पुलिस को ही चेतावनी दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? बात करें, क्या ये प्रशासन चेतावनी दे दी है या आप कह रहे हैं कि पुलिस को चेतावनी दे? पुलिस के पास कोई धमकी नहीं है, ठीक है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है, जल्दी ही केस का अनावरण किया जाएगा। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद कलीम हमारे साथ इसी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम में आपके पास? दिन दहाड़े बनाकर बंधक जो है लूटपाट की गई है कृष्णा नगर में, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? दीक्षा जी, जिस तरीके से बात की जाए, कृष्णा नगर में जो लूट की घटना सामने आई है, क्योंकि लूट की घटना को लेकर के पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई करने का दावा कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए जो लूट की घटना हुई है इस मामले को लेकर के अभी तक क्या कुछ तफ्तीश में सामने आया है, इसका किसी तरह का खुलासा अभी नहीं हो पाया। फिलहाल मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो टीम लगी हुई है, टीम इस मामले की लगातार जांच कर रही है और इसके साथ ही जो दो लुटेरे असलहे के बल पर पहुंचे थे और उस मामले को लेकर के लूटपाट में जो सामान गया है, उस मामले की तफ्तीश के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और पुलिस दावा कर रही है कि दोनों जो लुटेरे हैं वो जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। फिलहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद जो टीमें लगी हैं, वो पांच टीमें गठन की गई हैं इन लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि असलहे के बल पर सर्राफा की दुकान से जिस तरीके लूटपाट हुई है ये एक बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका है। पीड़ित पक्ष है कलीम, क्या उसको किसी पे शक अभी तक है? क्या उसने कोई शक और संभावना जाहिर की है?
देखिए जो शक की बात की जाए तो अभी शक के दायरे में तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लूट की घटना हुई है, असलहे के बल पर जो लोग पहुंचे थे, नकाबपोश बदमाश रहे, उस नकाबपोश बदमाशों को लेकर के जो जिस तरीके से शिकायत दी गई है, शिकायत के आधार पर फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उन बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। किया जा रहा है कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और गिरफ्तारी के बाद जो माल की बरामदगी है उसका भी प्रयास किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कलीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ अकबर नगर में पांचवे दिन 165 घर दहाए गए। ऑपरेशन बुलडोजर की 57 सीसीटीवी से की गई है निगरानी। फेज वन की लाइट काटी, धर्मस्थल भी तोड़े जाएंगे। लखनऊ में अकबर नगर में पांचवे दिन 165 घर दहाए गए। ऑपरेशन बुलडोजर की 57 सीसीटीवी से की गई निगरानी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य, शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938821172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित